Assalamu alaikum students, welcome to NBC. This is the third lecture from electrostatics chapter, and in total it is the fourth lecture of physics. So in this class we will study about the electric lines of force, that what are electric lines of force, why these electric lines of force used, and who proposed the concept of electric lines of force. So let's study electric lines of force. Edin lines ke chabwa JK electric field di representation kandiyun, ai uhe lines edi hundiyun ahin jin sa gado gad charge te force lagandwa at tangent to that line. Means whenever you have a line in the electric field, it is not necessary that this line is a line of force. This line can be considered as line of force if tangent to this line at any point represents the direction of force or represents the direction of field. So such line is said to be electric line of force. Electric line of force edi line bhi hundi a je ki asa chahun to it is an imaginary path to flow the charges. Charges je flow thain jila yo imaginary path tasavvur kyo windo a tain raste sa jeka charge aaye wo move kandi. So that is the electric line of force. असा कोई लेक्चर में भी कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट कर चुका हूं, बट एट दैट पॉइंट वी हैवंट मेंशन्ड दैट दीज आर द लाइंस ऑफ फोर्स. हाँ असा उन एंगल का उनके स्टडी किया होगा, से सपोज वी हैव दिस आइसोलेटेड चार्ज, जगने ही एक ही आइसोलेटेड चार्ज खड़ा से, तो इन आइसोलेटेड चार्ज के भर में ही कैसा टेस्ट चार्ज प्लेस क्यों. When we will place test charge, it will experience force in this direction, and this is the imaginary path that is understood in our mind, that test charge should be repelled by this positive charge, and so it should move along this path. ठीक वही जैसे हिटे रखो, ता हिटे भी नहीं दिलो, हिटे place करना चाहिए, हिटे भी वही गाल देनी, हिटे place करना चाहिए, हिटे भी वही गाल देनी. जिते भी प्लेस करा से वो रिपल्शन जे करे इन तरह बनी रही होंगी. सो ये लाइनों का थे चार्ज ही प्लेस करन से ड्रॉ नथी न्यू, दीज लाइंस विल बी वर्चुअल. ये अज्यूम कई विंदू समझी विंदू तो इतने आहिन ये को निदास हिते चार्ज प्लेस क्यों रही सब लाइन में थे विंदू. नो, दीज आर द इमेजिनरी पाथ्स टू फ्लो द चार्जेस. केड़ी चार्जेस जेके टेस्ट चार्जेस असा कंसीडर करना है. सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड आल्सो रिप्रेजेंटिंग द इमेजिनरी पाथ. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल चार्जेस हैव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन सच अ वे. एड़ी सीधी लाइन हुजे नहीं मुमकिन को ने ना, यो आइसोलेटेड चार्ज लाएंगे थी सके तो बेंजला लाजमी को नहीं. फॉर एग्जांपल जेकने असा खंडा आयो डाइपोल, डाइपोल जी जेके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होनी है वो इन तरह होनी है, तो चार्ज इते टेस्ट चार्ज प्लेस कभी तो हुआ हिंद खा पॉजिटिव खा रिपेल दी नहीं हिंदा अटैक थी एड़े नमूने सा जेके हिते चार्ज प्लेस कभी तो हिनवा रिपल्शन दी नहीं, हिनवा आहिस्ता 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 हुआ चार्ज जेका ने हिने हिन पास साइन दी. सिमिलरली हम जो मिरर इमेज जेकरे दिसों तो हेठी जेका लाइन आए हुआ कुछ इन तरह ठही हुई, एंड जेकरे हिंता वाली लाइन ट्रेस कर दिया तो वो लाइन जेका है हिंतरा ची हुई दिया. हम जो मिरर इमेज जेका है वो हेठी ही ना, हिता वाली लाइन ही मथा थी करे हितिया ची रही हुई दिया है, एंड हिता वाली लाइन एग्जैक्टली जेका सो एड़ी पैटर्न सा हिते अराइव ची रही हुई दिया, हिता वाली लाइन हेली हुई दी हिते लाइन है. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ डायपोल. तो जेकर हिते असा टेस्ट चार्ज रखना तो वह टेस्ट चार्ज सीधी ही ना ली वी छोटो हेदे वी वी हिंदी अट्रैक्शन जो करे वो ही बैंड दी. सो दीज आर द इमेजिनरी पाथ्स टू फ्लो द चार्जेस.
चार्जेस जो फ्लो थियण जे लाइ इमेजिनरी पाथ आहिनि। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जूं काफ़ी सारियूं प्रॉपर्टीज़ आहिनि जेके असां जेकॾहिं एक्सप्लेन कंदा वञूं गणंदा वञूं त उन्हनि ते एम सी क्यू थी सघनि था। फॉर एग्ज़ाम्पल असां एम सी क्यू जे परस्पेक्टिव में ॾिसूं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स खे त कीअं थी सघे थो, चइजे त बाबा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ लाइन इन विच द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज ऑप्शन ए परपेंडिकुलर टू द लाइन, बी पैरेलल टू द लाइन, सी एंटी पैरेलल टू द लाइन, डी टेंजेंट टू द लाइन। वरी मां रिपीट थो कयां त इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अहिड़ियुनि लाइननि खे चइबो आहे जिन लाइननि सां इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कंदो चार्जिस ते, काॾे पैरेलल एंटी पैरेलल परपेंडिकुलर या टेंजेंट। हाणे तव्हां चवंदो त हिन में सर पैरेलल बि आहे, बाबा हिन ते टेंजेंट वारी थ्यूरी अप्लाई थिए थी छो जो स्ट्रेट लाइन इट्सेल्फ इज़ अ टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट ड्राई कोन कबो आहे न, उनखे टेंजेंट ईअं सम्झो त कंसिडर कबो आहे। लाइन कर्व्ड हूंदी त पोइ टेंजेंट जी ॻाल्हि ईंदी आहे, से कोई हिते पैरेलल त आहे बाबा, हे पाण बि टेंजेंट आहे, माना हमेशा हिन में बि टेंजेंट वारी ॻाल्हि ईंदी, हिन में बि टेंजेंट, छो जो हिन जी जेकॾहिं फील्ड हिते ॾिसबी त हिते फील्ड जी डायरेक्शन थींदी हिते सॼे कर्व सां, तव्हां पॉइंट टू पॉइंट फील्ड जी डायरेक्शन डिटरमाइन कंदा ईंदो, दैट मस्ट बी टेंजेंट। सो इन दिस वे द बेस्ट ऑप्शन इज टेंजेंट, टेंजेंट बेस्ट ऑप्शन आहे। बाक़ी पैरेलल जेकॾहिं सिर्फ़ु आइसोलेटेड चार्ज जो ज़िक्र थियल हुजे त पोइ पैरेलल बि सही थी सघे थो, अदरवाइज टेंजेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, ॿियो जेकॾहिं एम सी क्यू नेक्स्ट खे असां ॾिसूं लाइन्स ते कीअं थी सघे थो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, छाखे रिप्रेजेंट कर दियो, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड के, बी डायरेक्शन ऑफ द फील्ड के, सी स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बोथ के, नन ऑफ दीज। अगेन मैं रिपीट तो क्या, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, छाखे रिप्रेजेंट कर दियो, रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड ए ऑप्शन, बी ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सी ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग बोथ स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डी नन ऑफ दीज। सो डेफिनेटली वी नो दैट थ्रू द लाइन्स ऑफ फोर्स वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन डायरेक्शन। छो जो असां चयो आहे त टेंजेंट जेको आहे लाइन किथे बि आहे हुन लाइन जो टेंजेंट ठाहियो, टेंजेंट ठाहींदो त तव्हांखे उहा फील्ड जी डायरेक्शन मिलंदी। Means through the lines we can determine the direction. Direction bhi determine kare sakunga. And actually these lines are introduced to define the strength of field. Field ji strength ke bhi define karan jila istamal ke hoye. Jane field ji strength ke asa line ji through represent kanda se. So it means that the C option is correct. Options ma likhi kon rahe ma. Tama ye kajo to jane tama ya video budho. जेको क्वेश्चन मां चई वञा उहो क्वेश्चन पाण वटि रफ बुक ते लिखी वठो, उनजा ऑप्शन्स बि लिखी वठो। मुंहिंजी एक्सप्लेनेशन खां अॻु में तव्हां वीडियो खे पॉज करे, मां लास्ट लेक्चर में बि ॿुधायो, वीडियो खे पॉज कयो, उते पॉज करे पाण उनखे सम्झण जी कोशिशि कयो ऐं उनखे आंसर करण जी कोशिशि कयो। जेकॾहिं करे था वञो त दैट इज़ वेरी नाइस, जेकॾहिं नथा करे सघो त पोइ एक्सप्लेनेशन ॿुधो, तव्हां पंहिंजी जेको आहे एक्सप्लेनेशन खे उन सां मैच कयो, ॾिसो त तव्हां किथे जेको आहे न खुटी पियो, उन पॉइंट खे पोइ पिक करण जी कोशिशि कयो। ओके जी, सो दिस इज़ द सेकेंड एम सी क्यू, ॿ एम सी क्यू असां करे चुका आहियूं। फर्दर प्रॉपर्टीज़ ते जेकॾहिं मां पहिरियां थोरो ॻाल्हायो वञा, दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉज़िटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉज़िटिव चार्ज वटां ओरिजिनेट थींदियूं, जीअं हिते तव्हां ॾिसो था पिया ओरिजिनेट थी रहियूं आहिनि, ऐं नेगेटिव चार्ज ते उहे टर्मिनेट थींदियूं, नेगेटिव चार्ज ते वञी करे जेके आहिनि न उहे ख़तमु थी वेंदियूं। इन स्पेस नियर द चार्ज
नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विल ओरिजिनेट आर टर्मिनेट। इहो मुमकिन कोन्हे त चार्ज हिते मौजूद आ। सपोज कि हाणे ॾिसो हिन वटां चार्ज लाइन ओरिजिनेट थींदी हुई, हिन ते छा थींदो आहे टर्मिनेट थी रहियूं आहिनि, पर इहो मुमकिन कोन्हे जो जेकॾहिं हिन चार्ज वटां जेके लाइनूं अचनि थियूं हिन चार्ज वटि हिते ई अची करे ख़तमु थी वञनि। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सही, हे हिते बि त बिल्कुलु हिन जे भर में अची ख़तमु थी थियनि। असां इहो मार्कर जे थ्रू थोरो जेको आहे न पोइ ते ख़तमु इन करे था करे छॾियूं त असांखे ख़बर त पए त नेगेटिव चार्ज कहिड़ी आहे ऐं लाइनूं का थियनि। बट एक्चुअली दीज चार्जिस विल टर्मिनेट ऑन द चार्ज, चार्ज ते ई टर्मिनेट थींदो। नियर द चार्ज स्पेस में टर्मिनेशन या ओरिजिनेशन न थींदी। छो? बिकॉज द सोर्स ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स इज चार्ज। सोर्स चार्ज आहे जंहिंजे करे जेके न उहे उन वटां ई निकिरी सघंदियूं, उन वटि ई ख़तमु थी सघंदियूं नियर द चार्ज। बाक़ी जेकॾहिं इनफिनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कंदियूं त इनफिनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करण खां पोइ डेफिनेटली जेके आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदियूं। छो जो इनफिनाइट डिस्टेंस ते इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो थी वेंदी, ज़ीरो थी वेंदी त इट मीन्स दैट देर शुड बी नो लाइन, का बि लाइन न हूंदी। फर्दर टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। के बि ॿ लाइनूं जेके आहिनि हिक ॿिए खे इंटरसेक्ट न कंदियूं आहिनि। ठीकु आहे, हाणे उहे इंटरसेक्ट छो न कंदियूं आहिनि, रीज़न मां क्वेश्चन जे फॉर्म में तव्हांखे ॿुधायां थो। ठीक, एम सी क्यू था लिखूं। टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, अगेन रिपीटिंग, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज ब लाइन्स ऑफ फोर्स हिक ॿिए खे नथियूं कटे सघनि, कॾहिं बि नथियूं कटे सघनि। छो त मुंहिंजो रीज़न मां हिते हाणे लिखी थो छॾियां त जीअं तव्हांखे आसानी थिए थोरी, त ए ऑप्शन आहे बिकॉज जेको आहे क्वेश्चन में अची वियो आहे स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज यूनिफॉर्म बी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज वेरिएबल, वेरिएबल स्ट्रेंथ जे करे सी कॉन्स्टेंट या सेम डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स जे करे डी फील्ड नेवर हैज टू डायरेक्शंस एट वन पॉइंट। ठीक है जी, सो आई हैव रिटन दीज फोर ऑप्शंस। त भई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ॿ लाइनूं हिक ॿिए खे कॾहिं बि नथियूं कटे सघनि। हुनजो सबबु छा आहे, हुनजो सबबु इहो आहे, छा हुनजो सबबु इहो आहे त स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड यूनिफॉर्म हूंदी आहे, छा हुनजो सबबु इहो आहे त हुनजी स्ट्रेंथ जेका आहे सो वेरिएबल हूंदी आहे, छा हुनजो सबबु इहो आहे त फील्ड जी हर पॉइंट ते जेका डायरेक्शन हूंदी आहे उहा सेम हूंदी आहे, छा हुनजो सबबु इहो आहे त फील्ड हिकिड़ी पॉइंट ते ॿ डायरेक्शन्स नथी रखी सघे। सो पहिरियां ॿ त क्वाइट इररेलेवेंट। ठीक है ना, एक मैथड हों एम सी क्यू के सॉल्व करण जो त एलिमिनेशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड हों तो ऑप्शन्स कटी था वो तो भाई हे इन सा रेलिवेंट को हे इन सा रेलिवेंट को रेलिवेंट न हुजन कटे छो माने वो मुमकिन को बाकी जो रेलिवेंट हुजन उन्होंने वही तवी नॉलेज अप्लाई करनी होंगी है तो हाँ ये भाई रेलिवेंट को छो जो लाइन जो कटण वो उनकी डायरेक्शन से वापस तो होंद वो मैग्नीट्यूड से को हों। मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स से उन्होंने मैग्नीट्यूड जाहिर कबो लाइन की डायरेक्शन कटण पैरेलल वन मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन। सो द लास्ट टू ऑप्शन्स मे बी हाँ ऐसा कहो तो थे सेम डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स। तो भाई फील्ड तो एक पूरी स्पेस आ जैमें असते चई चुका
उनकी हर पॉइंट से स्ट्रेंथ भी अलग होंगी, डायरेक्शन भी अलग होंगी। सो हर पॉइंट से फील्ड तो सेम थे मुमकिन ही को, सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड में होंगे पर सभी के लाए तो कौन तो थी सके, जैसे सभी के लाए तो थी सके तो मीन सी ऑप्शन भी गलत है। हाँ सी ऑप्शन भी गलत, ए बी सी टे गलत, डी पो सही होंगे छा इन कर सिलेक्ट क्यों डी के कोई भी मथो आंसर सही ना है न असा वरी भी ऐसो डी सही है या ना उनके चेक था क्यों जैसे उनके चेक था क्यों वो तो चवे तो फील्ड जो बट डायरेक्शन सिकली पॉइंट से न होंगे। इट इज फैक्ट, यो फैक्ट आ हकीकत आ तो एक पॉइंट से फील्ड की एक डायरेक्शन होंगी। हाँ जैसे इन मार्कर की तुम दिसो तो मार्कर के जो ग्रेविटी है वह करे थी जी के डाउन, ठीक डाउन तीन लाइन ऑफ फोर्स भी डाउन अची वी ओके एक लाइन थी। हाँ जैसे इतने अस वरी इनके प्लेस क्यों इनके हमेशा डाउन ही फोर्स लगन रहे तो एक लाइन ऑफ फोर्स होंगे, पर जैसे सपोज क्यों सपोज इमेज आए तो कदें इनके एडे फोर्स लगी हो तो इनकी जो लाइन ऑफ फोर्स हि ठही होंगी, तो एक लाइन ऑफ फोर्स इतना बी लाइन ऑफ फोर्स इतना नाउ दीज टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ ब लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करे वही एक बे के छो जो एक लाइन ऑफ फोर्स हिं मथा हेठ आई बी लाइन ऑफ फोर्स हिं माना जो रस्ते से वो लाइन ऑफ फोर्स है न तो बई कटन थी, पर यो मुमकिन ही को फील्ड इनके कें बी डायरेक्शन में छिके, जैसे बी डायरेक्शन में न छिकंदी तो इनको मकसद है इन लाइन के बी का भी लाइन ऑफ फोर्स न कटींदी। सो द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दैट एट अ सिंगल पॉइंट फील्ड डजंट हैव टू डायरेक्शंस हैव या हैव तमा के वधी खबर होंगी तो उनके जेके न ब डायरेक्शंस न होंगे इन करे या गाल होंगी, ठीक है। लाइन्स ऑफ फोर्स के लिए फर्दर जैसे दिसो जो गाल इतने पेरेंट ऑप्शन्स के बुधाईंदे भी तक बुधायस तो नंबर ऑफ लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, फील्ड की स्ट्रेंथ के केयर तो जाहिर करें नंबर ऑफ लाइन्स, जितनी नंबर ऑफ लाइन्स ज्यादा होंगी उतनी फील्ड स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। पर सिर्फ नंबर ऑफ लाइन्स ना, नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम ये को तो इतने जो है हाँ ये चार लाइन ड्रा कर छो ये चार लाइन, ठीक है। जो है इतने टे लाइन तो चो तो फील्ड मथी स्ट्रॉन्ग नो, फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग वेयर द नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया और नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट वॉल्यूम आर ग्रेटर, थोड़े रीजन में ज्यादा लाइन होजन इहा स्ट्रॉन्ग फील्ड की निशानी है, ठीक है। ज्यादा रीजन में थोड़ी लाइनों या ज्यादा रीजन में ओतरी लाइनों होजन या स्ट्रॉन्ग फील्ड की निशानी ना है। सो वो ऐसा चाहना से तो डेंसिटी ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, फील्ड की स्ट्रेंथ के जाहिर थे। सो हेयर यू कैन सी ऐसा पढ़ी चुका हूँ आइसोलेटेड चार्ज की फील्ड डिस्टेंस बदल से खुटंदी वेंदी है। हेयर यू कैन सी जैसे इतने एक स्फेरिकल सरफेस दें तो उन स्फेरिकल सरफेस में जो लाइनों आन वो छह स्फेरिकल सरफेस एतो आ, ठीक है। जो वॉल्यूम आतो है पर जैसे इनके बाहर इतने दिनो तो हाँ तुम तो लाइनों उ अठ लाइन आन पर जो आसो वॉल्यूम हाँ केतो बदी वो वॉल्यूम ज्यादा लाइनों ओतर फील्ड घटी वी अर दींदे फील्ड घटी वी अर वे फील्ड घटी वी। सो फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द लाइन्स, फील्ड की स्ट्रेंथ के डेंसिटी ऑफ लाइन्स से रिप्रेजेंट करा वो इनमें यह गाल भी कर सकते थी तो भाई जैसे लाइन के दरमियान गैप खुटे तो इनको मकसद है फील्ड स्ट्रॉन्ग थी रही है, गैप वधे तो फील्ड वीक थी रही है, गैप न वधे तो न खुटे तो इट मीन दैट फील्ड इज यूनिफॉर्म, फील्ड यूनिफॉर्म होंगी उन केस में जैसे गैप न वधे न खुटे मीन सच लाइक इनक्रीज थी गैप तो इनका मकसद है फील्ड वीक थी रही है, डिक्रीज थी गैप तो इनका मकसद आए तो फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग थी रही है। सो दिस इज द नंबर ऑफ लाइन्स। अच्छा नंबर ऑफ लाइन्स से जैसे डेंसिटी के बारे में भी असा एक सिंपल लिखी छो तो असा लिखूँ तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है ना कड़ो स्टेटमेंट जो है ना हेठन में करेक्ट है वो स्टेटमेंट असा कड़ा कड़ा था लिखूँ एक स्टेटमेंट में हेठ लिखा ए स्टेटमेंट आ ही तो सेपरेशन बिटवीन लाइंस डिग्री
comma, field is going to storm. ठीक है, फील शादी रही है, स्ट्रॉन्ग थी रही है. ठीक है, ए ऑप्शन यू, बी ऑप्शन सेपरेशन बिटवीन लाइंस, लाइंस इंक्रीजिंग फील इज गोइंग टू वीकर. ठीक है जी, सी सेपरेशन बिटवीन लाइंस कॉन्स्टेंट फील्ड इज यूनिफॉर्म, फील्ड इज नॉन वेरिएबल. ओके जी, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज एंड ई ऑप्शन नन ऑफ दीज. सो यू कैन रीड ईच ऑफ द ऑप्शन एंड यूज द थ्योरी. जेका थ्योरी हाँ हाँ असं पढ़ी से जी अस पॉइंट को डिस्कस क्यों से उनके मुताबिक तुम इनके जो एनालाइज कर दो तो विच पॉइंट इज करेक्ट. आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर करेक्ट, टी जो पॉइंटू आन वे करेक्ट आन, तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन. छो सेपरेशन डिक्रीज थी, फील्ड स्ट्रॉन्ग थी, वाकई स्ट्रॉन्ग थी. सेपरेशन वी रही होंगी, फील्ड वीक थी रही होंगी. सेपरेशन कॉन्स्टेंट आ, इनका मकसद आ फील्ड भी जो कॉन्स्टेंट आ. सो ऑल ऑफ दीज कंडीशन आर होल्डिंग गुड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है. सो दिस इज अबाउट द लाइन्स ऑफ फोर्स. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स. And the flow of lines of force is known as electric flux. मतलब electric flux जो नाम होता है, flux उन दो आए, flux Latin word है जिन जो मकसद आए flow. वो flow liquid जो भी थीं दो आ, flow gas जो भी थीं दो आसे. We are studying electrostatics. Then what will be flowing in this condition? जब electrostatics आ तो उसे flow छा दी रही होंगे. उधर फ्लो थी रही होंगी लाइन्स, दीज लाइन्स छामा फ्लो थी नहीं फ्रॉम सर्टेन एरिया के एरिया में देखवा सो फ्लो थी रही होंगी के एरिया में पास थी रही होंगी. सो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू सर्टेन एरिया परपेंडिकुलरली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. उन्हें के इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो चाहिए उनको कॉन्सेप्ट ऐसा थोड़ा गेन क्यों था तो भाई हे सपोज था क्यों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जिनके अंदर देखे ना ये चार लाइनों आई. दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ वी प्लेस असा इनके आदो जो ना ही ये आता है ना ये एरिया है ही एरिया प्लेस आ गया पर असा एरिया के थ्रो प्लेस आ गया हेत्रो एरिया प्लेस आ गया. इट मीन्स दैट द टू लाइन्स आर पासिंग थ्रू दिस एरिया. इन एरिया में बल लाइन पास थी रही पर जेने उतनी माँ ये एरिया प्लेस करे चले तो इनको मकसद आए हाँ ही उनमें चार लाइन पास थी रही. So if field is constant, then by increasing area, flux will be increased. Area ही increase करो, flux increase ही लो. शर्त आए कने electric field constant हो जेता. ठीक है ना, अगर ऐसा फिर जो भी पढ़ना थे इन्हीं को ने तो पहुँचाओ तो सर तो हाँ ये पढ़ाया है. Electric flux is increasing with area if electric field is constant. Otherwise, this statement may not hold good. यू मता सही ना हुजे पर हिंद कंडीशन में सही होंगे. अच्छा जी, हाँ ये एरिया है यह सागी इलेक्ट्रिक फील्ड है. एरिया भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट. एरिया के सागी एरिया के हिंदे प्लेस था करे चलिए उतरी एरिया खड़ी करे फ्लक्स उनमा का भी लाइन पास कर दी थे उतरी एरिया के हिंदे प्लेस था करे चलिए हाँ उनमा ब या ट्रे लाइन पास थी रही चौथी तो मिस थी हुई पक्की. तो इनको मकसद आ तो एंगल से भी फ्लक्स डिपेंड करे रहे एंगल ते जेको फ्लक्स डिपेंड कर रहा वो इन कर रहा था एरिया की पांची डायरेक्शन पांचे पान के परपेंडिकुलर होंगी. तो इन कंडीशन में इन दरमियान जीरो एंगल है. इलेक्ट्रिक फील्ड ही वेक्टर एरिया के दरमियान इतने जेका जो वह एंगल जेका है वधी वही छो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इतने एंगल इतने थोड़ी वधी वही अगेन इतने तो एंगल 90 दी हुई पौधा चला दे कॉस
एडो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छो जो थीटा डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं थी ना कहीं भी एक्सप्रेशन में उन जो कॉस साइन या टेन रेशियो इस्तेमाल थी हूँ तो इतने असान चौदह जी थीटा जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर एरिया के दरमियान उतने फ्लक्स भी जीरो माना एंगल जीरो फ्लक्स जीरो कड़ो रेशियो है जो एंगल जीरो से जीरो रिजल्ट दैट इज कॉस इतने नाइनटी एंगल इतने देखो है फ्लक्स भी जीरो 90 जो रेशियो भी जीरो अच्छे कॉस कॉस 90 से जीरो होता सो इट मीन दैट फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन एरिया फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन कॉस थीटा ऑफ एंगल फ्लक्स में आल्सो डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है बाबा इतने डेंसिटी बढ़ाए छ लाइन की छह लाइन थी वन एरिया सारो हो जाए फ्लक्स अगेन बढ़ी सो इट इज डिपेंडिंग ऑन दीज थ्री फैक्टर्स कीपिंग टू कॉन्स्टेंट्स द रिलेशनशिप ऑफ फ्लक्स विल बी स्टडीड विद द वन के इंगले से स्टडी कर सकते तो बेन के कॉन्स्टेंट खंड होता सो द फ्लक्स इज गिवन एज ई ए कॉस ऑफ थीटा सो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स through certain area perpendicularly. See, तमाम perpendicularly था जो, बाबा surface area सा perpendicularly. Surface area ते vector area जी direction perpendicular हुन दिया. ठीक है ना, surface area सा जरे line perpendicular गुजरन दी, तो इन जो मकसद आहे, वा line vector area जी direction सा parallel हुन दी. You should differentiate these two concepts, surface area and vector area. Vector area has direction, surface area is just an area. Vector area has direction perpendicular to the surface area. जने lines surface area सा perpendicular, तो इन जो मकसद है vector area जी direction सा छा parallel. सो पैरेलल वाली कंडीशन में जीरो वाली एंगल में फ्लक्स मैक्सिमम होंदो 90 वाली कंडीशन में फ्लक्स जीरो होंदो 180 वाली कंडीशन में मैक्सिमम नेगेटिव होंदो ठीक है ना एड़े किस्म जो कंडीशंस असा के मिलन सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो देखो यूनिट आहे वो दी वाई न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर दिस इज द यूनिट सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन मे बी पॉजिटिव पॉजिटिव भी थी सके तो कने पॉजिटिव थी नो व्हेन थीटा इज लेस देन 90 का घट हुंदी फ्लक्स पॉजिटिव होना जे कने असा जो तो वो नेगेटिव थी वने नेगेटिव कने थी नो नेगेटिव विल बी व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 का ग्रेटर थी नो एंड इट विल बी जीरो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 90 के इक्वल है उन कंडीशन में फ्लक्स एग्जैक्टली जीरो होंगे सो दीज आर दी कंडीशंस जेके हर डॉट प्रोडक्ट के अंदर होंगे वहीं डॉट प्रोडक्ट है सो द रिजल्टेंट क्वांटिटी मस्ट बी स्केलर स्केलर आए तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी दिस इज दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे ऐसा फ्लो जो नालो था जो हाने इतने देखने दिसूं तो अगते हली असा पॉजिटिव नेगेटिव ही जीरो जो कुछ मकसद बियो कटी वठन आदे ए वो मकसद जे को हुंदो वो कहीं जे लाए हुंदो फार अ क्लोज्ड सरफेस एरिया जे लाए हुंदो पर हिते तवा के जस्ट यो समझणवा तो पॉजिटिव फ्लक्स जदे एंगल 90 खां घट हुंदी एरिया वेक्टर एरिया एई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दरमियान तदे हुंदो नेगेटिव 90 खां ग्रेटर वाले केस में 090 ते ठीक है सो दिस इज फॉर दिस लेक्चर फॉर फर्दर वी विल स्टडी अबाउट दी गॉसेस लॉ की ऐसा स्टडी करना जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर